हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। आपने देखा कि म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल के बीच की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से किसी एक कॉइल में अगर हम करंट चेंज करें तो नियर बाई कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है जो कि फर्स्ट कॉइल में चेंज होने वाले करंट का अपोज करता है। ओके, तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है दो कॉइल की प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाई वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द चेंज इन द करंट बाई इंड्यूजिंग एन EMF द चेंज इन द करंट इन द नियर बाई कॉइल बाई इंड्यूजिंग एन EMF इन इट्सेल्फ। ओके, और अब हम देखेंगे कि कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, इसकी SI यूनिट क्या होती है, इसको कैसे हम डिफाइन करें। आइए हम देखते हैं कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए, लेट आई बी द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन अ कॉइल। हमने कोई एक कॉइल सपोज कर लिया, जिस दो कॉइल थी, दो कॉइल पास पास रखी हुई, किसी एक कॉइल में हमने करंट की स्ट्रेंथ को कितनी ले लिया, आई ले लिया, और उसके पास रखी जो दूसरी कॉइल है उसमें टोटल जो फ्लक्स लिंक्ड है वो हमने फाई कंसिडर कर लिया। लेट आई बी द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन वन कॉइल एंड फाई बी द टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ऑल टर्न्स ऑफ द नियर बाई कॉइल। सपोज कर लो कि एक कॉइल में फ्लो होने वाली करंट का मैग्नीट्यूड आई है और उसके पास रखी हुई जो दूसरी कॉइल है उसमें टोटल अमाउंट ऑफ जो फ्लक्स चेंज हो रहा वो फाई है। मीन्स करंट हमने एक कॉइल में लिया है और टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स चेंज नियर बाई कॉइल में लिया है, दूसरी कॉइल में लिया है। मीन्स अगर हम करंट प्राइमरी कॉइल में लेंगे तो फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में ले रहे हैं, अगर हम करंट सेकेंडरी कॉइल में लेंगे तो फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में लेंगे। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि फाई प्रोपोर्शनल आई है, मीन्स जो नियर बाई कॉइल में पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। मीन्स नियर बाई कॉइल में गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो फर्स्ट कॉइल में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। फाई प्रोपोर्शनल आई है, यह फाई इक्वल टू एम आई है। यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। यहाँ पर कैपिटल एम यूज किया गया है, कैपिटल एम को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ये कहलाता है कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू कॉइल। दोनों कॉइल के बीच में कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इसे बोलते हैं, किसको, एम को। अब आइए देखें एम को हम डिफाइन कैसे करेंगे। इफ आई इक्वल टू वन एम्पियर हम ले लें तो फाई इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू वन इक्वल टू एम के हो जाएगा। ओके, तो न्यूमेरिकली कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स इज इक्वल टू द फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल इफ यूनिट करंट फ्लोज इन द थ्रू द नियर बाई कॉइल। मीन्स अगर किसी एक कॉइल में यूनिट करंट फ्लो कर रही हो तो उसके पास रखे हुए उसके नियर बाई रखी हुई कॉइल में होने वाला जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वही म्यूचुअल इंडक्शन कहलाएगा। न्यूमेरिकली म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स इज इक्वल टू द फ्लक्स लिंक्ड विद इन वन कॉइल व्हेन देयर इज यूनिट करंट फ्लोइंग इन द नियर बाई कॉइल। जब किसी एक कॉइल में यूनिट करंट फ्लो कर रही हो तो उसके पास रखी हुई दूसरी कॉइल में जितना फ्लक्स लिंक्ड होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के इक्वल होता है। आइए देखें, इक्वल टू होता है माइनस डी फाई ओवर डी टी, तो हो जाएगा माइनस डी ओवर डी टी एम आई हो जाएगा। फाई इक्वल टू होता है एम आई, फाई इक्वल टू होता है एम आई, तो ये हो जाएगा एम डी आई ओवर डी टी। अब यहाँ से देखें, इफ डी आई ओवर डी टी वन ले लें तो इक्वल टू माइनस एम इंटू वन इक्वल टू माइनस एम आ जाएगा। इसका मतलब कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किसके बराबर आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के, किसके बराबर आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के। तो द कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन नियर बाई कॉइल इज यूनिटी। इसका मतलब ये हो गया कि किसी दो कॉइल्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन किसी एक कॉइल में इंड्यूस्ड हुए ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है जब उसके पास रखी हुई कॉइल में
करंट चेंज जो हो रही हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 हो, मींस करंट यूनिट रेट से चेंज हो रही हो, मींस दो पास पास रखी हुई कॉइल में कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन किसी एक कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होता है जब उसके पास रखी हुई कॉइल में करंट यूनिट रेट से चेंज हो रही हो। आइए देखें इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हेनरी। एसआई यूनिट क्या होती है, हेनरी। आइए अब हम 1 हेनरी को डिफाइन करें। वो ई इक्वल टू माइनस ई एम डी आई बाई डी टी है, तो ई एम इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी हो जाएगा। इफ ई इक्वल टू 1 वोल्ट ले लें, डी आई ओवर डी टी 1 एम्पियर पर सेकंड ले लें, तो ई एम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकंड इक्वल टू 1 हेनरी आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन 1 हेनरी कहलाएगा अगर किसी एक कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिटी हो और नियर बाय कॉइल में 1 वोल्ट का ईएमएफ प्रोड्यूस हो। इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन 1 कॉइल यूनिटी हो और पास रखी हुई कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट प्रोड्यूस हो, तो दोनों कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन 1 हेनरी कहलाएगा। तो द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स इज सेड टू बी 1 हेनरी if there is a rate of change of current unity in 1 coil and the EMF induced in the nearby coil is 1 volt, okay? तो ये 1 हेनरी की डिफिनेशन हो जाएगी। अब आइए हम देखें कि कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये हम आइए डिस्कस करें कि किन पर ये डिपेंड करता है। अब आइए हम देखें कि ये जो कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। आइए हम देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच द ईएम डिपेंड्स, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किस पर डिपेंड करेगा। आइए देखें द कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन, दो कॉइल के बीच में जो कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री ऑफ द टू कॉइल्स। अब इस ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें आ जाएंगी ये आपको देखना है, ज्योमेट्री ऑफ द टू कॉइल में। इसमें देखिए पहला आ जाएगा साइज ऑफ द कॉइल, मीन्स ये कॉइल के साइज पर डिपेंड करता है कि कॉइल बड़ी है या छोटी है, लॉन्ग है या शॉर्ट है। तो एक तो साइज ऑफ द कॉइल, शेप ऑफ द कॉइल पर डिपेंड करता है कि वो सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है या जो है सिलेंड्रिकल शेप की है, शेप ऑफ द कॉइल पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स उसमें कितने हैं, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करेगा जिस पर वो कॉइल वाउंड की गई है, लपेटी गई है। तो ज्योमेट्री में चार बातें आ जाएंगी, साइज ऑफ द कॉइल पर डिपेंड करेगा, शेप ऑफ द कॉइल पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करेगा जिसके ऊपर उन कॉइल को वाउंड किया गया है, और सेकंड नंबर डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स पर डिपेंड करेगा, और रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द टू कॉइल या ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब दोनों कॉइल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखी हैं या एक दूसरे के पैरेलल रखी हैं या एक दूसरे के ऊपर वाउंड की गई हैं, ये कहलाता है रिलेटिव प्लेसमेंट, तो इस पर डिपेंड करेगा। आइए देखें इन सेल्फ इंडक्टेंस, चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन अ कॉइल इज अपोज्ड बाय द कॉइल इटसेल्फ बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि सेम कॉइल में जब हम करंट चेंज करते हैं तो सेम कॉइल अपोज करते ही अपने अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करके। हाउ इवन इन म्यूचुअल इंडक्शन वन कॉइल अपोजेज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द नियर बाई कॉइल, जबकि म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है एक कॉइल करंट में चेंज को अपोज करते ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर करके। मीन्स अगर प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रही है तो सेकेंडरी कॉइल अपोज करेगी, अगर सेकेंडरी कॉइल में करंट चेंज हो रही है तो प्राइमरी कॉइल अपोज करेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर करके। एक बात और समझ लेना है, इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट म्यूचुअल इंडक्शन इज ओवर एंड अबव द सेल्फ इंडक्शन ऑफ ईच कॉइल ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन बोथ। मीन्स जब दो कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है तो याद रखना कि सेल्फ इंडक्शन तो हो ही रहा है, सेल्फ इंडक्शन के अलावा ये म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, क्योंकि दोनों कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो सेल्फ इंडक्शन तो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो सेल्फ इंडक्शन के एडिशन या उसके अलावा होने वाली फिनोमिना होती है। आइए देखें अब कोफिशियंट ऑफ कपलिंग क्या होती है, एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे कॉइल से कितने अच्छी तरीके से लिंक्ड है, ये कोफिशियंट ऑफ कपलिंग मेजर करता है। एक कॉइल का टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे कॉइल से कितने अच्छी तरीके से रिलेटेड है, लिंक्ड है, ये कोफिशियंट ऑफ कपलिंग मेजर करता है।
तो देखिए, इट इज अ मेजर ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल्स, ये दो कॉइल के बीच में कपलिंग का मेजरमेंट होता है। इट इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला होता है के इक्वल टू एम अपॉन स्क्वायर रूट एल वन एल टू, के इक्वल टू एम अपॉन स्क्वायर रूट एल वन एल टू। के जो है कोफिशियंट ऑफ कपलिंग होता है, के की वैल्यू हमेशा लेस देन वन होती है। देखिए ये ए डायग्राम है जिसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इसी के ऊपर प्राइमरी कॉइल को वाउंड किया गया है, इसी के ऊपर सेकेंडरी कॉइल को, तो इसमें कपलिंग मैक्सिमम होगी, के की वैल्यू इसके लिए मैक्सिमम होगी। यहाँ पर प्राइमरी कॉइल को अलग वाउंड किया गया, सेकेंडरी कॉइल अलग है, तो इसमें के की वैल्यू इससे कम होगी। यहाँ पर देखिए ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसमें के मिनिमम होगा, तो इसमें के मिनिमम होगा, इसमें के मैक्सिमम होगा, इसमें के की वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी। इसमें फ्लक्स सबसे ज़्यादा लिंक करेगा, प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से लगभग लिंक हो जाएगा, इसमें प्राइमरी का कुछ फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक होगा, इसमें प्राइमरी का कोई भी मतलब फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी से लिंक नहीं होगा। तो यहाँ के मिनिमम होगा, यहाँ के मैक्सिमम होगा, इसमें के की वैल्यू दोनों के बीच में होगी और के की वैल्यू हमेशा लेस देन वन होती है। आइए देखें, अगर दो कॉइल पास पास रखी गई हो तो उसमें हम एम की वैल्यू के की वैल्यू कैसे लिखते हैं। अब देखें, इफ टू कॉइल्स आर सो कनेक्टेड इन सीरीज दैट देयर कोफिशियंट ऑफ कपलिंग इज के इक्वल टू वन, अगर हम दो कॉइल को सीरीज में इस तरीके से कनेक्ट करें कि उनका कोफिशियंट ऑफ कपलिंग कितना हो, वन हो, कितना हो, के इक्वल टू वन हो, देन यल इक्वल टू यल वन प्लस यल टू प्लस टू एम होगा जब करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में होगी, और यल इक्वल टू यल वन प्लस यल टू माइनस टू एम होगा जब करंट उनमें अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यहाँ यल क्या है, इक्विवेलेंट जो है सेल्फ इंडक्टेंस है, एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो जब करंट सेम डायरेक्शन में होगी तो यहाँ प्लस में रहेगा, जब करंट डिफरेंट डायरेक्शन में होगी तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। इस फॉर्मूले से हम जो है वो आपका सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं, जब एक कॉइल का फ्लक्स दूसरे से कंप्लीटली लिंक्ड हो अर्थात कोफिशियंट ऑफ कपलिंग वन हो तब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि अगर टू को एक्सियल सोलेनॉइड हो तो उनका म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा और वो किन बातों पर डिपेंड करेगा। ओके स्टूडेंट्स।